राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, आज की वीडियो है, एक तो शिवरात्रि कब है और शिवरात्रि पे लड्डू गोपाल जी की हमें सेवा पूजा कैसे करनी है, तो आज की वीडियो वही है। तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान के लिए तैयार कर लिया है। अब इनको हम इनके जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे, फिर कराते हैं इनको स्नान। इनके स्नान के बर्तन में थोड़े से फूल डाल दिए और अब मैं इनको कराऊंगी स्नान कच्चे दूध से। उस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान कराना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करें। तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैं कराऊंगी कच्चे दूध से स्नान। तो पहले हमें कच्चे दूध से कराना है, उसके बाद जो जल है उससे कराना है गुनगुने जल से, और जल में हमें थोड़े से फूल डालने हैं और थोड़ा सा आप इत्र भी जरूर से डाल लें। तो अभी कच्चे दूध से करा दिया है और अब मैंने ले लिया है साफ जल और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़े से व्हाइट कलर के फूल। अगर आपके पास हैं तो आप व्हाइट कलर के फूल जरूर से डालें, और आप उस दिन फूल तो आपको इजीली वैसे मिल ही जाएंगे, किसी भी मंदिर के पास आपको फूल मिल जाएंगे, चाहे तो आप एक दिन पहले भी ला के रख सकते हो आप अपने घर में। मैं कराऊंगी लड्डू गोपाल जी को साफ जल से और उसमें मैंने थोड़े फूल डाल लिए। फूल आपको जो भी मिल जाए आप वो फूल ले सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इनके ये फूल हटा देंगे और लड्डू गोपाल जी को अच्छे से मैं पोंछ लूंगी और इनको पहनाएंगे हम वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र आप जो अगर शिव रूप देना चाहते हैं तो आप उनको ये वाले वस्त्र पहना सकते हैं जो कि इस ये वाले होते हैं, और आजकल ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, कपड़ा भी मिल जाता है, ड्रेस भी मिल जाती है। तो मेरे पास है तो मैं इसी में इनका श्रृंगार करती हूँ शिवरात्रि पे। तो अगर आप पहनाना चाहते हो तो पहना सकते हो, नहीं तो आप येल्लो कलर की भी ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। तो मैं इसमें आपको श्रृंगार दिखाऊंगी इनका, और फिर उसके बाद इनकी करेंगे पूजा और इनको क्या भोग लगाना है मैं वो भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ और इत्र लगा के इनको पहनाती हूँ वस्त्र। अभी मैंने लड्डू गोपाल जी का कर लिया श्रृंगार शिव रूप में, तो चाहे आप कर सकते हो नहीं तो आप नॉर्मल ड्रेस में भी श्रृंगार कर सकते हो। तो वैक्स लिया मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे वैक्स से चिपका देंगे, चाहे तो आप ना किसी चीज पे आप जैसे आलू वगैरह पे भी टिका सकते हो इसको त्रिशूल को। तो मैं लड्डू गोपाल जी के हाथ में त्रिशूल दे दूंगी और ये डमरू है लड्डू गोपाल जी के पास रख दूंगी डमरू। तो ये डमरू रख दिया है और ये है हमारी नंदी, तो इनको साथ में ही बिठा देंगे। और अब पहना दूंगी मैं माला लड्डू गोपाल जी को और फिर कर लेंगे हम पूजा। तो ये त्रिशूल अभी हट गया है, माला पहनाई थी ना इसलिए, और छोटे लड्डू गोपाल जी को भी माला पहना देंगे और नंदी को भी। तो मैंने सभी को माला पहना दी है, लड्डू गोपाल जी को थोड़ा मैं आगे कर लेती हूँ पहले छोटे वाले को, नहीं तो ये दिखाई नहीं देंगे फिर। और ये नंदी को साथ में बिठा लेते हैं, यहाँ पर बिठा लूंगी मैं इधर की साइड, ये इधर मैंने नंदी बिठा लिया, अलग से फूल मैं इनको अर्पण कर दूंगी नंदी को भी। तो ये फूल मैंने अर्पण कर दिया नंदी जी को भी, और अब हम कर लेंगे पूजा। तो आप चंदन का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को हल्का सा। तो ये तिलक लगा दिया मैंने चंदन का, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की जो तीसरी आंख है वो छूट गई है, मैंने वैक्स से चिपकाई हुई है। और ये श्रृंगार मैंने कैसे कराया लड्डू गोपाल जी का, ये वीडियो भी आपके पास जल्दी आ जाएगी। ये कर लिया आरती की थाली तैयार, तो अभी कर लेंगे आरती। तो आरती करने के बाद आरती हमें ठंडी करनी है और अपने मंदिर में लड्डू गोपाल जी को राधा रानी को सभी को आरती दे देंगे। थोड़ा सा हाथ में जल लेके तीन बार इस तरीके से हम जल घुमाएंगे, उसके बाद आरती दे देंगे सभी को।
और हमें उस दिन लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाना है, आप खीर का भोग लगा सकते हो, रबड़ी का भोग लगा सकते हो, आप उस दिन बेर का भोग जरूर लगाएं फल में। तो अभी लड्डू गोपाल जी को मैं लगा रही हूँ रबड़ी का भोग, तो मैं उस दिन खीर बनाऊंगी, पकवान तो बनता ही है उस दिन खीर। हमारे भोले बाबा को भी हम भोग लगाते हैं खीर का और बेर का, तो उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को भी खीर का, बेर का, सबका भोग लगाएं, और उसके अलावा आप कोई भी फ्रूट लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हो। तो अभी इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।